द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज अ क्विक टेम्पर्ड नो ही बिकम फ्यूरियस। अब क्या होता है, साइंटिस्ट जो रहता है वो तो पहले से हम लोग जान चुके हैं कि बहुत ही क्विक टेम्पर्ड रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम ही शॉर्टिंग वेरी वेल आई विल शो यू। अब क्या होता है, वो साइंटिस्ट उसको गुस्से में बोलता है, चिल्लाता है कि तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस विस्कर्स स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ्स स्ट्रेंज एट अ हेडलेस मैन। अब क्या होता है, सडनली वो गुस्से में रहता ही होता है, वो दिखाना चाहता है कि रुको मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इस वजह से वो क्या करने लगता है कि एक मिनट लगता है, उसने अपने पूरे बैंडेजेस को खोल दिया, उसने जो दाढ़ी रखी हुई थी, नकली दाढ़ी लगाई हुई थी वो हटा देता है, जो स्पेक्टिकल पहना हुआ था और इवन जो उसने नोज़ भी लगाया हुआ था वो सारे हटा देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसका फेस जो है पूरी तरह से हेड एटलीस्ट वो पूरा जो है वो उसका नहीं दिखने लगता है, इनविजिबल हो जाता है। और जहाँ वहाँ पे लोग जो हैं वो क्या देखते हैं कि वो एक हेडलेस इंसान जो है उसके सामने खड़े हुए हैं। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नो अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। बट जेफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मजिस्ट्रेट वॉन्ट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अब क्या होता है, मिस्टर जेफर्स जो होते हैं, जो कॉन्स्टेबल जिसको वहाँ पे बुलाया गया था, जब वो कॉन्स्टेबल वहाँ आता है तो क्या देखता है कि वो देख कर के सरप्राइज हो जाता है कि उसे जिस बंदे को अरेस्ट करना है वो विदाउट हेड है। बट जेफर्स जो था वो बहुत ही अच्छा बंदा था और वो अपने ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से करना चाहता था, इस वजह से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई बंदा जो है वो उसका सर है या नहीं है। उसका कहना था कि अगर मजिस्ट्रेट ने एक बार उसे ऑर्डर दे दिया है कि एक उसे किसी को अरेस्ट करना है तो फिर वो अरेस्ट करना ही है उसे, यानी उसको ऑर्डर को फॉलो करना है, फिर वो इंसान चाहे वो हेड वाला हो या विदाउट हेड वाला हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garments after another. Finally, a shirt unflew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows and That seemed to come from nowhere. अब क्या होता है कि कॉन्स्टेबल जो है मिस्टर जेफर्स वो बता रहे हैं कि वहाँ पे उस बंदे को पकड़ना होता है, यानी कि साइंटिस्ट को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा सीन है क्योंकि वो बंदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है। जैसे जैसे साइंटिस्ट जो है वो अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है वो पार्ट उसका गायब हो जाता है, तो इस वजह से वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं और उनका इस यानी कि उसको पकड़ने में बहुत सारे और भी जो लोग खड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, वो लोग पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट जो था वो क्या कर रहा था, उसने पहले तो अपना फेस जो है वो पूरा इनविजिबल उसका हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है अपना ग्लव्स खोल देता है जिससे उसका हाथ भी नहीं दिखने लगता है, फिर वो अपना जितना सारा ड्रेस था जो उसने पहने हुआ था कॉस्ट्यूम वो सारा को रिमूव कर देता है और इस तरह से वो इनविजिबल हो जाता है और किसी के भी पकड़ में नहीं आता है। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अब क्या होता है, यहाँ पे और भी दिखाया है कि क्या होता है कि जब सारे लोग जो हैं वो उसका हेल्प करने लगते हैं, जब वहाँ पे सारे लोग जो होते हैं वो पुलिसमैन का जब हेल्प करने लगते हैं तो पता चलता है कि उनको मार पड़ने लगती है, यानी कि जो साइंटिस्ट रहता है क्योंकि वो तो इनविजिबल हो जाता है
तो वो कहीं से भी उनको जैसे ही वो लोग पकड़ना चाहते हैं वो उसे मारता है। जैफर जो है बता रहे हैं यहाँ पे वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस बेहोश हो जाते हैं जब वो कोशिश करता है लास्ट टाइम उस साइंटिस्ट को पकड़ने का। देर वे आर नर्वस एक्साइटेड एंड क्राइड ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब क्या होते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सब एक्साइटेड सोच रहे हैं कि सारे लोग बोल रहे पकड़ो पकड़ो, बट जो है ये सिर्फ कहना बहुत इजी है बट इसे करना बहुत ही टफ है, क्योंकि वो उन्हें पकड़ना है एक इनविजिबल बंदे को जो दिखाई ही नहीं दे रहा, तो वो पकड़ेंगे कैसे। और ग्रिफिन जो है अब वहाँ से फ्री हो चुका है और कोई भी नहीं जानता है कि वो मतलब जो इनविजिबल हो चुका है, बट जब उसको पकड़ने के लिए वो सारे को क्या कर रहे हैं लात घूंसे से मार भी रहा है, तो कोई नहीं जानता है कि उसे कौन मार रहे हैं कहाँ से मार पड़ रही है, बट वो इनविजिबल हो करके उन लोगों को खूब पिटाई भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें ये चैप्टर चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जिसमें देखें कि एक साइंटिस्ट होता है वो क्या करते हैं जो ड्रग्स बनाते हैं वो खुद ही पी लेता है, जिसके वजह से वो इनविजिबल हो जाता है और उसके बाद जो इनविजिबल होने के बाद जितने सारे यहाँ पे देखें कि उसको कितना सारा कुछ झेलना पड़ता है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़े थे। अब आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर का बहुत सारा रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम दे चुके हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आंसर खुद से बनाना है होमवर्क में।